हेलो बच्चों, तो एलटी प्रीवियसर पेपर सेट का हम पार्ट 5 लेके चल रहे हैं अभी आज। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि √1 + sin x / 1 - sin x की वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले जो गिवन है वो मैं आपको बता देता हूँ, और इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा जो डिस्कस करूँगा, जिससे आपके हर बार जब भी रूट में क्वेश्चन आएंगे आप इसको ईजिली सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी भी नीचे अगर रूट आता है ना, जैसे 1/√2, तो नीचे रूट रहना नहीं चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका परिमेयकरण करके यानी रैशनलाइज करके रूट हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही इसका फाइनल आंसर होता है। अगर आपने रूट हटा दिया तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। दो तरह से परिमेयकरण कर सकते हो, एक तो ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने अभी करा था, दूसरा है अगर ऐसे प्लस या बीच में माइनस आ गया तो आप क्या करोगे, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे इसी नंबर की। जैसे 1+√2 आया तो 1 - √2, 1 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका आया √1 + sin a / 1 - sin a, तो नीचे क्या आया, √ में माइनस का sin x है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 + sin x से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + sin x से। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। 1 + sin x / 1 + sin x बन जाता है √ में 1 + sin x² ठीक है। और ये क्या होता है, ये बनता है आपका 1 - sin x / 1 + sin x। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ है a - b का, a - b * a + b का। इसकी वैल्यू होती है a² - b² देखो ध्यान से, a - b a + b a + b, तो a² यानी 1² - sin² x, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है, 1 + sin x² है, इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं और इसके ऊपर रूट लगा दिया, और ये बन जाता है 1 - sin² x, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, sin² x है, सही है। 1 - sin² θ बच्चों होता है cos² θ, तो 1 + sin x / √ में cos² x लिख दिया। अब क्या होगा, ये ऊपर वाला जो रूट है ये स्क्वायर से हट गया, ऊपर वाला, नीचे खाली रूट लगाया है, ये वाला भी स्क्वायर से हट जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1 + sin x / cos x। हम एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं। एलसीएम ब्रेक करने में हम क्या करते हैं, एक बार इसके अपॉन में और एक बार इसके अपॉन में लिख लेते हैं जो भी चीज़ दी होती है। यानी cos x दे रखा, तो cos x को एक बार इसके अपॉन में, दूसरी बार इसके अपॉन में लिखो। 1/cos x होता है बच्चों sec x, और sin/cos होता है tan x, तो sec x + tan x इसका आंसर आया, यानी ऑप्शन नंबर C जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sin inverse 4/5 + tan inverse 1/3 to tan inverse 1/3। तो इसमें तीन फॉर्मूले मैं यूज़ करूँगा, मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं पहले से ही। sin inverse x का फॉर्मूला होता है tan inverse x / √1 - x². ये ज़्यादातर बुक्स में नहीं होता, लेकिन इस फॉर्मूले को जनरेट करा जा सकता है। दूसरा है 2 tan inverse x का फॉर्मूला होता है tan inverse 2x / 1 - x², और तीसरा फॉर्मूला है tan inverse x + cot inverse x = π/2। ये दोनों फॉर्मूले आपको CBSE में मिल जाएंगे, ये IIT की बुक्स में ज़्यादातर आपको ये वाला फॉर्मूला मिलता है, जो कि क्लास 11 ICSE में आपको मिल जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखो करना किस तरीके से है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। sin inverse 4/5 है और 2 tan inverse 1/3 है, तो ये जो नंबर है ना इसको x मानते हैं अपने दिमाग में। तो sin inverse 4/5 + 2 tan inverse 1/3 इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 10 inverse 4/5 यानी x / √1 - 4/5 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। प्लस 2 tan inverse x का फॉर्मूला इसमें लगाते हैं हम, 10 inverse 2x, 2 into 1/3 यानी 2/3 / 1 - x² 1 - 1/9। इसको सॉल्व करते हैं हम ज़रा, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 10 inverse 4/5 / √ के अंदर जब इसको सॉल्व करेंगे 25 में 16 माइनस करेंगे 9, 9/25 का रूट होता है 3/5, इसका आंसर आएगा, यहाँ पे काट देंगे। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, ये प्लस का साइन है बीच में, तो 10 inverse 2/3 तो ऐसे ही रहेगा, और इसको हम लिखते हैं 9, 9 में से 1 गया 8, तो 8/9। इसको काटो ज़रा, 3 बारी में कटेगा, 2, 2 से ये 1, और ये कटा 4 बारी में, तो ये आंसर आया इसका, इसका जो आएगा, पहले तो मैं लिख देता हूँ 10 inverse 4/3 प्लस ये मिला 10 inverse 3/4। एक और फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, 10 inverse x = होता है cot inverse 1/x, ठीक है, या cot inverse x = 10 inverse 1/x, दोनों एक ही बात है,
ठीक है, तो टेन इनवर्स 3/4 है, इसको मैं 4/3 में कन्वर्ट करूंगा तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से बनेगा, टेन इनवर्स 4/3 प्लस कॉट इनवर्स 4/3 बन जाएगा ये, यानी जैसे ही एंगल चेंज करा तो टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कॉट इनवर्स 4/3 और टेन इनवर्स 4/3 कॉट इनवर्स 4/3 इसका हिस्सा लग रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती है π/2, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1+e^x y dy इक्वल्स टू e^x dx, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण दे रखा है, इसका जनरल सॉल्यूशन पूछा है क्या होगा। चार ऑप्शन आपको गिवन है, तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता देता हूँ। इंटीग्रेशन अगर हम किसी भी चीज़ का करते हैं, जैसे मान लेते हैं एक्स का कर रहे हैं, ठीक है, एक्स डी एक्स लिखा है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि इसमें एक पावर बढ़ा देते हैं, एक्स की पावर एन का कर रहे हैं तो n+1/n+1 हम इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं, प्लस सी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, बड़ा आसान सा तरीका है। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, आपको जो दे रखा है 1+e^x y dy इज इक्वल्स टू e^x dx, एक्स वाले एक साइड में कर लेते हैं सबसे पहले, तो y dy इज इक्वल्स टू e^x/1+e^x dx बन जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन जैसे करा, वाई की पावर वन है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है y² / 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू इसका क्या होता है, अब e^x/1+e^x इसका इंटीग्रेशन आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो इसका जो होता है वो होता है log 1+e^x, ठीक है, प्लस सी नहीं लिख के हम लॉग सी लिख लेते हैं अपने आंसर के हिसाब से। ठीक है, तो ये कैसे आता है पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। e^x/1+e^x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो मैं इस नीचे वाले को टी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, 1+e^x को टी मान लेता हूँ। अब दोनों तरफ जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा, 1 का 0 e^x का होता है e^x और dt का होता है, टी का होता है dt/dx, इसको इधर लेके जाओ ये हो गया e^x dx इज इक्वल्स टू dt, सही। तो यानी e^x dx की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे, इस पूरे की जगह पे लिख देंगे dt, ठीक है, और अपॉन में t लिख देंगे, तो dt/t जो होता है वो होता है log t, और इसकी वैल्यू होती है log 1+e^x। तो इतना लंबा होता है, आपको इतना लंबा अगर याद नहीं करना, मतलब समझना नहीं है, समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर इतना लंबे पे नहीं जाना तो सीधा सीधा आप ये देखिए कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसमें ये आपकी वैल्यू निकल जाती है। तो y² / 2y, इस 2 को अब मैं क्या करता हूँ, इधर लेके चले जाता हूँ, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा के मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, c 1+e^x log x * y का फॉर्मूला लगाया और 2 को बाहर निकाल के ऐसे लेके चला गया। अब 2 जो है, एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ log a^b का, तो वो होता है b log a, यानी ये पावर आगे आ जाती है, तो इसका इन्वर्स भी ट्रू होगा, तो ये क्या हो जाएगा, log c² 1+e^x का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग द सेंटर ऑफ एट द ओरिजिन, यानी इनमें से कौन सा जो है वृत्त का समीकरण है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका जो ओरिजिन पे सेंटर हो, यानी यहाँ पे सेंटर हो। तो देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे को पता होनी चाहिए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पे हो, तो वो होती है x² + y² = r², इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो ये बनेगा 2x + 2y dy/dx = r², r एक कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो तो x + y dy/dx = 0 हो जाएगा। अब क्या करो, ये 2 जो है ये इधर जाके 0 हो गया, तो ये मिला आपको x + y dy/dx = 0 मिला, dx की इधर एलसीएम ले लो तो ये मिला dx(x + y)(dy/dx = 0, ये dx इधर गया तो ये हो गया x dx + y dy = 0, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।